हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ध्यान देने योग्य जरूरी बातें, अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, रोजाना तुलसी के 3-4 पत्ते अवश्य खाने चाहिए। इससे आप कहीं कई बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर दो, नारियल के तेल का इस्तेमाल करने से स्किन की ड्राइनेस को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर तीन, जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो उन्हें हरी सब्जियाँ, फल और दूध आदि का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। नंबर चार, नारियल का सेवन सेहत को बहुत लाभ पहुंचाता है। इसके लड्डू खाने में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं, साथ ही यह सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी होते हैं। नंबर पाँच, सुबह ब्रश करने से पहले पानी पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और साथ ही मुंह में खराब बैक्टीरिया भी जमा नहीं होती। नंबर छः, अगर काम करते समय सुस्ती महसूस हो रही हो तो अदरक वाला पानी पिया करें। नंबर सात, पतली छाछ में चुटकी भर सोडा मिलाकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। नंबर आठ, किसी भी जूस को ज़्यादा देर तक रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जूस का स्वाद कड़वा हो जाता है और यह शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। नंबर नौ, गाजर और चुकंदर का जूस पीने से आँखों की रोशनी तेज होती है और साथ ही खून की कमी भी दूर होती है। नंबर दस, जो औरतें रोजाना रात को अपने चेहरे पर तिल या बादाम के तेल की मालिश करती है उसका चेहरा चमकदार होता है। नंबर ग्यारह, दिन में भोजन के बाद मट्ठा और रात्रि के भोजन के बाद दूध लेना चाहिए, यह हमें बीमारियों से बचाता है। नंबर बारह, अगर पेट में दर्द हो तो मेथी दाना को थोड़ा सा भून लें और पीस कर पाउडर बना लें और हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करें, इससे पेट दर्द में आराम आ जाता है। नंबर तेरह, अगर दूध जल्दी हजम ना होता हो तो दूध में थोड़े से सौंफ मिलाकर पीने से दूध जल्दी हजम हो जाता है। नंबर चौदह, चमेली के 10-15 फूलों को पीसकर चेहरे पर लेप करने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है। नंबर पंद्रह, यदि बच्चों के पेट में बार बार कीड़े होने की शिकायत रहती है तो रोज़ सलाद में टमाटर पर सेंधा नमक लगाकर खिलाएं, इससे जल्दी कीड़े जड़ से खत्म हो जाएंगे। नंबर सोलह, पानी पीने के बाद झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नली में जा सकता है। मुंह में पानी भरकर नहाने से जुकाम की दिक्कत नहीं होती है। नंबर अठारह, जो महिलाएँ ज़्यादातर उकड़ू बैठती हैं उनकी पाचन क्रिया मजबूत होती है, साथ ही इससे पेट कम करने में मदद मिलती है। नंबर 19, अगर जूते पहनने की वजह से पांव पर धब्बे पड़ गए हैं तो इसके लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाकर एक बोतल में भर लें और रोजाना पांव के धब्बों पर इसे मालिश करें और 10 मिनट बाद पैर धो लें। ऐसा नियमित रूप से करने से कुछ ही दिनों में पैर के धब्बे दूर हो जाएंगे। नंबर 20, नारियल पानी पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। नंबर 21, सुबह खाली पेट 1 सेब का सेवन करें, इससे शरीर को बहुत फायदे मिलते हैं। नंबर 22, हड्डियों में दर्द रहता है तो जैतून के तेल से मालिश करें। जैतून के तेल में मालिश करने से हड्डियां का दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। नंबर 23, अक्सर आपने लोगों को चंदन का तिलक लगाए देखा होगा। दरअसल माथे पर चंदन लगाना श्रद्धा के साथ साथ सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। नंबर 24, दूध जलेबी खाने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 25, हफ्ते में 1 बार शरीर पर तेल की मालिश जरूर करें, इससे शरीर का आलस दूर होता है और शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। नंबर 26, जिनको उल्टा लेटकर सोने की आदत है ऐसे लोगों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। नंबर 27, आँखों की रोशनी तेज करने के लिए सफ़ेद मिर्च का सेवन करें। नंबर 28, मखाने को खाने का सबसे सही समय सुबह का होता है। अगर आप घी में फ्राई करके मखाने खाते हैं तो यह आसानी से पच जाते हैं। इसे खाने के बाद आपको जल्दी से भूख भी नहीं लगती और पेट को पूरे तरीके से मखाने दुरुस्त भी रखते हैं। नंबर 29, मखाने और दूध का सेवन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मखाने और दूध का सेवन हड्डियों को मजबूत बना देता है। नंबर 30, उल्टी आना या फिर जी मिचलाने की समस्या में कच्चे आम पर काले नमक के साथ सेवन करें। नंबर 31, अगर अचानक बहुत तेज बुखार हो रहा है तो कद्दू के टुकड़े कर उसे माथे पर मसाज करने से बुखार कम हो जाता है। नंबर 32, जिन लोगों को बीपी कम होने की शिकायत हो उनको रोजाना नाश्ते में खजूर खाने चाहिए। नंबर 33, दूध के साथ नमक और सभी तरह के खटाइयाँ एक साथ प्रयोग ना करें, दूध को हमेशा खाली ही पिएं। नंबर 34,
अगर गले में दर्द हो तो गुनगुना पानी पिए, गले के दर्द में गुनगुना पानी बहुत आराम देता है। नंबर 35, पेट फूलने जैसी समस्या से परेशानी हो तो गर्म पानी पीने से बहुत आराम मिलता है। नंबर 36, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजाना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हर दूसरे दिन हटा देना चाहिए और भगवान को नए पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। नंबर 37, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा नहीं करके रखें, इसको पैर भी नहीं लगाएं, उसके पर गुजरे और अन्यथा बरकत की कमी हो जाएगी। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 38, पहली रोटी से घी और गुड़ मिलाकर थोड़ा सा तोड़कर चूल्हे में भोग अवश्य लगाएं। नंबर 39, पहली रोटी गाय के लिए निकालें तथा रोटी पर घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाएं, इससे देवता खुश होते हैं और तथा पितरों को भी शांति मिलती है। नंबर 40, पनीर को काटने के बाद तेल में फ्राई करने के बजाय इसके पीस को कुछ देर के लिए उबले हुए पानी में छोड़ दें, ऐसा करने से पनीर सॉफ्ट बना रहेगा। नंबर 41, अगर आपको मसों की समस्या है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्याज बहुत ही मददगार होता है। ऐसे में प्याज का रस लगाने से मसे छोटे छोटे टुकड़े होकर जड़ से गिर जाएंगे। नंबर 42, प्याज के कुछ टुकड़े काटकर कमरे में रखने से जुकाम की बीमारी नहीं होती है। नंबर 43, पाँव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो उसका सीधा असर नज़र पर पड़ता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। नंबर 44, चेहरे को साफ सुथरा रखना है तो चावल के खाने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पिए। नंबर 45, अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो सुबह के टाइम बकरी का दूध पिया करें, इससे आपको थकावट नहीं होगी। नंबर 46, स्ट्रॉबेरी का जूस पीने से खून साफ रहता है। नंबर 47, गले में इन्फेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर गरारे करने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। वीडियो में बताई गई जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।